हाय दोस्तों, आज मैं बात करूंगा भारतीय आयुर्वेद विज्ञान में सबसे इम्पॉर्टेंट औषधीय फल आंवला के बारे में। आंवला हमारे शरीर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, आंवला को कैसे लेना चाहिए और किस किस बीमारियों में ये काम आता है। दोस्तों, आयुर्वेद विज्ञान में आंवला को अमृत भी कहा गया है और ये 100 से भी ज़्यादा बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देने का क्षमता रखता है। मॉडर्न साइंटिस्ट भी ये माना है कि दुनिया में सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट फूड आंवला ही होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। हमारे शरीर में एक दिन के लिए जितना विटामिन सी का जरूरत पड़ता है, सिर्फ एक स्पून आंवला में उससे 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा आंवला इंडिया में पाया जाता है, इसीलिए आंवला को इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है। सिट्रस फल में जितना भी फल है, सिर्फ आंवला ही ऐसा फल है जो दूध के साथ मिला के हम खा सकते हैं। बाकी किसी एंटीऑक्सीडेंट फल को हम दूध के साथ मिला के नहीं खा सकते। जैसे मैंने अभी बताया, 100 से भी ज़्यादा बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देने का क्षमता आंवला के अंदर है और इसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, केराटिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आंवला एक ऐसा फल है जो सर से लेकर पैर तक हमारे शरीर के हर एक अंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आंवला प्रीमेच्योर हेयर फॉल को रोकने में मदद करता है, अर्थात अगर किसी व्यक्ति का समय से पहले अगर हेयर फॉल हो रहा है और कम उम्र में अगर बाल सफ़ेद हो रहा है तो उसको रोकने में आंवला मदद करता है। अगर किसी का सर पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, उसका कंट्रोल नहीं पा रहा है, आंवला उसको रोकने में मदद करता है। और बाल को काले, घने और मजबूत करने के लिए आंवला बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर आपके सर पे बाल का किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आपके हेयर ऑयल के साथ आंवला पाउडर मिलाइए और रेगुलर यूज़ करिए, इससे आपका बाल का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को आई साइट का प्रॉब्लम है, उसको सही करने में आंवला मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति का आँख लाल, पानी झड़ना, तनावपूर्ण होता है तो उसको रोकने में आंवला मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति का आई साइट का प्रॉब्लम है, उसको सही करने में आंवला मदद करता है। स्किन के लिए भी आंवला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, आंवला में विटामिन सी और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और स्किन का किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो उसको सही करने में आंवला मदद करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति डेली एक स्पून आंवला पाउडर का सेवन करे तो उस आदमी का जिंदगी में कभी आंख में चश्मा नहीं चढ़ेगा। स्किन के लिए तो ये रामबन साबित है। स्किन का हर एक प्रॉब्लम ये सॉल्व करने में मदद करता है। जैसे मैंने बताया, विटामिन सी और विटामिन ए आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दुनिया में सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी वाला फल होता है। हमारे शरीर को हमेशा यंग रखने में आंवला मदद करता है। आंवला अल्ट्रावायलेट रेस से भी हमारा शरीर को बचाता है और हमारे स्किन का जो फेयरनेस वो रिस्टोर करने में मदद करता है। ज़्यादा धूप में जाने के कारण आपका शरीर में फेयरनेस बिल्कुल कम हो गया, उसको रिस्टोर करने में आंवला मदद करता है। हमारे स्किन पे जो डैमेज सेल है उसको रिपेयर करने में भी आंवला मदद करता है और हमारे स्किन पे कोई भी अगर इन्फेक्शन है उसको रोकने में भी आंवला मदद करता है। और हमारे स्किन पर दांत, खाज, खुजली का कोई भी बीमार हो उसको रोकने में आंवला मदद करता है। आंवला हमारे स्किन और फेस पर निखार लाने में मदद करता है। हमारे स्किन पर दांत, खाज, खुजली, कोई भी बीमार हो उसको रोकने में भी आंवला मदद करता है। हमारे शरीर का डैमेज स्किन सेल को रिपेयर करने में भी आंवला मदद करता है। आंवला में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होने के कारण हमारा जो नेल और टीथ को मजबूत करने में आंवला मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति नियमित आंवला का सेवन करे तो ज़्यादा उम्र होने के बावजूद उसका दांत पहले कभी नहीं छोड़ के जाएगी। नियमित आंवला का सेवन करने से ब्रेन पावर को बढ़ा देते हैं और मेमोरी लॉस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और स्मरण शक्ति को भी बढ़ा देते हैं। अगर किसी व्यक्ति का पाइल्स का प्रॉब्लम है, उसको रोकने में भी आंवला मदद करता है और हमारे शरीर के अंदर जितना भी टॉक्सिन टाइप का पदार्थ है उसको बाहर निकालने में आंवला मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति का सेक्सुअल प्रॉब्लम है और अशीघ्र वतन से परेशान है, उसको ठीक करने में भी आंवला मदद करता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इस मामले में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा शरीर का सही से ब्लड सर्कुलेशन होने में आंवला बहुत मदद करता है। हमारे शरीर का ब्लड प्यूरीफाई करने में भी आंवला मदद करता है और एनीमिया को दूर करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का कफ का प्रॉब्लम है और नाक से ब्लीडिंग का भी समस्या है, उसको रोकने में भी आंवला मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति का वेट लॉस का प्रॉब्लम है तो आंवला उसको ठीक कर देता है। डायबिटिक्स को भी ठीक करने में आंवला मदद करता है। आंवला हार्ड मसल को भी मजबूत करता है, जैसे स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम कभी नहीं आता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी जड़ से ख़त्म कर देता है। दोस्तों, आंवला किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर किसी व्यक्ति का किडनी में पत्थर है तो उसको बाहर निकलने में भी आंवला मदद करता है। आंवला इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर देता है।
अर्थात किसी व्यक्ति का जल्दी बीमार नहीं पकड़ते हैं। यूरिनरी सिस्टम को भी बहुत मजबूत करता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी आंवला बहुत काम आता है। जैसे मैंने बताया, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी और ये एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी संपन्न होता है और प्रचुर मात्रा में आयरन, कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है, और इसके चलते पेट में रहने वाले बच्चा कभी कुपोषण का शिकार नहीं होते हैं, और ये बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरीफायर और पावरफुल होते हैं जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आंवला पाचन क्षमता को बढ़ा देते हैं। अगर किसी व्यक्ति का डाइजेशन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में मदद करता है। आयुर्वेदा में आंवला को 6 टेस्ट वाला फल भी कहा गया है, जिसको सबसे ज़्यादा पाचन क्षमता वाला फल भी कहा गया है। आंवला में एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज है, जिससे कैंसर जैसे प्रॉब्लम को भी रोकने में मदद करता है। हमारे शरीर का लीवर को भी हेल्दी रखने में आंवला मदद करता है, क्योंकि दोस्तों आंवला के अंदर बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट सावन प्रश होते हैं, जो लीवर को बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है और साथ साथ हमारा डाइजेशन पावर को भी बढ़ा देते हैं। आंवला में एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसके चलते हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारियों से हम बच सकते हैं नियमित आंवला के सेवन से। छोटे बच्चे का हड्डी मजबूत करने के लिए नियमित आंवला का पाउडर सेवन करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का आवाज़ बैठ जाता है तो हल्का सा गर्म पानी में 1 स्पून आंवला पाउडर मिला के सेवन करें तो वो उस समस्या से नजात पा सकते हैं। और ज़्यादा असर पाने के लिए आंवला पाउडर के साथ थोड़ा सा हनी मिला के हल्का सा गर्म पानी से सेवन करें। 2 स्पून आंवला का पाउडर रोटी के साथ अगर डेली कोई व्यक्ति सेवन करे तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है और हमेशा यंग रहते हैं। अगर नींद का प्रॉब्लम से कोई जूझ रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति का अनिद्रा का प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उससे निजात पाने के लिए भी आंवला अच्छा रिजल्ट देता है। ये एसिडिटी का प्रॉब्लम से तुरंत निजात दिलाता है। ये थकान और कफ्स जैसे प्रॉब्लम से तुरंत निजात दिलाता है। आंवला ह्यूमन स्नायु तंत्र को मजबूत कर देता है, इसीलिए जो व्यक्ति स्नायु संबंधी कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे वो व्यक्ति को नियमित आंवला का सेवन करना चाहिए। आजकल भागदौड़ वाला जिंदगी में जंक फूड खाने के चलते जो प्रॉब्लम्स आते हैं, आंवला वो सब प्रॉब्लम से राहत देते हैं। अगर किसी व्यक्ति का दांत और मसूड़े में प्रॉब्लम है, उस जगह पे आंवला पाउडर थोड़ी देर लगा के रखने से उस प्रॉब्लम से निजात मिलता है। बहुत ज़्यादा गर्मी के सीज़न में अगर आपका शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना बह रहा है तो 2 स्पून आंवला पाउडर ठंडा पानी के साथ मिला के सेवन करने से शरीर को ठंडा मिल जाता है। अगर किसी व्यक्ति का पेशाब में जलन है तो ठंडा पानी के साथ 2 स्पून आंवला पाउडर मिला के पीने से पेशाब के जलन ख़त्म हो जाता है। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों में भी आंवला बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर किसी के चेहरे पर मुहासे और पिंपल्स बहुत दिन से है और उससे छुटकारा पाने के लिए आंवला बहुत फ़ायदेमंद होता है। आंवला पाउडर के नियमित सेवन और उस पर चेहरे पर लगाने से ये समस्या से निजात पा सकते हैं और इससे चेहरा निखरने लगता है। ये माउथ का अल्सर के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कच्चे आंवला का जूस हो या फिर आंवला पाउडर हो, गर्म पानी के साथ मिलाइए और सुबह शाम गरगरा करिए। ऐसा करने से जल्दी माउथ अल्सर रिलीफ मिल जाता है। ये आर्थराइटिस रिलेटेड पेन को भी कम करने में सहायक है। आंवला का नियमित सेवन से हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम से निजात मिल सकता है। ये हमारे शरीर में न्यू रेड ब्लड सेल को क्रिएट करने में मदद करता है। सुबह सुबह खाली पेट में आंवला का सेवन करें तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, और जब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पावर बहुत बढ़ जाते हैं तो हमारा हड्डी, दांत, नेल्स और हेयर को सुंदर बनाने में मदद करता है। अगर किसी महिला को मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट है, अर्थात पीरियड सही से नहीं हो रहा है, तो उसको नियमित करने में भी आंवला का बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों आंवला का इतना सारा फ़ायदा देखते हुए वेस्टिज कंपनी ने इसको कैप्सूल के आकार में निकाल दिया, जिससे इसको कहीं ले जाने में, खाने में और स्टोर करने में आसान हो। बहुत ही अच्छा प्रजाति के आंवला से बने हुए पाउडर का कैप्सूल है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कंपनी ने इसको जूस के आकार में भी निकाला है, जिससे बहुत सारे पेस्टिसाइड इसमें ऐड किया जाता है। वेस्टिज आंवला कैप्सूल के बोतल में 60 कैप्सूल होता है और इसका मार्केट प्राइस 170 रुपीज़ होता है, जो नॉर्मल मार्केट प्राइस से काफ़ी सस्ता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।